नमस्ते दोस्तों, आदर्श विद्या मंदिर गांधीनगर आगरा के अपने एजुकेशन चैनल पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक दोस्तों कर्सिव राइटिंग है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कर्सिव राइटिंग एक ऐसी विशेषता है कि यदि आप अंग्रेजी में कितने भी पारंगत हो या कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपको कर्सिव राइटिंग अच्छे से नहीं आती है और नहीं लिख सकते, तो दोस्तों ऐसा समझा जाता है कि आपको अंग्रेजी का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम देख रहे हैं कर्सिव राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है और मोस्टली किन किन वर्ड्स के अंदर, किन किन लेटर्स के अंदर हम विशेषकर हमारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कर्सिव राइटिंग। ए बी सी D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X ये तो हुई दोस्तों कैपिटल लेटर्स।
कर्सिव राइटिंग के कैपिटल लेटर्स। अब हम इनके साथ साथ में जो स्मॉल लेटर है इनके कर्सिव में किस तरह से आते हैं वो हम देखें। देखिए पहला है ये कैपिटल लेटर है, इसमें एक स्मॉल लेटर है ए, बी, सी, डी, ई, F, G, H, I, जी। के एन एम N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये दोस्तों हमारे हो गए हैं अंग्रेजी कर्सिव राइटिंग के, ये है कैपिटल लेटर और इनके साथ साथ में ये है स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों इसके अंदर कुछ चीजों कुछ जो लेटर्स है उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे और मोस्टली हम उनके अंदर गलती करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे L लिखते हैं ना, तो L के अंदर ये गैप रखना है। यदि हम L लिखते हैं तो L का जो इस तरह की डिजाइन बनाते हैं ना, तो उसमें गैप रखना है, और जो T बनाते हैं उसमें गैप नहीं रखना है। ज्यादातर क्या होता है कि हम T को भी L की तरह बना देते हैं और बीच में लाइन कर देते हैं, वो गलत होता है। टी के अंदर गैप नहीं होता है जबकि एल के अंदर गैप होता है। अच्छा अब आगे हम देखते हैं कि अगर ये लिखना आ जाए आपको, तो अब इसको कर्सिव में सभी कर्सिव में क्या होता है कि सारे जो लेटर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनके देखो इनके सभी लेटर्स जो होते हैं उनके पीछे
पीछे के लेटर्स के जुड़ने के लिए अलग से लाइन छोड़ी हुई होती है। ये लाइन का मतलब होता है कि पीछे का लेटर की जो पूंछ है ना उसके अंदर जुड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो इसी का अभ्यास बार बार और भी अच्छी तरह करने के लिए हम एक काम करेंगे, इन सारे जो भी लेटर्स है ना ए बी सी ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स को एक साथ हम लिखेंगे और बार बार ऐसा प्रयास करेंगे ताकि हमारी जो अंग्रेजी लिखने की जो फ्लुएंसी है वो एकदम तेज गति से आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और अंत में जेड। एक्सेस हमको पूरे एकदम लास्ट में लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों किस तरह से हमने कर्सिव राइटिंग के जो स्मॉल लेटर्स है उनको एक साथ में जोड़कर हमने लिखा है। ये दोस्तों हमने इसलिए लिखा है कि सभी वर्ड्स जो कर्सिव राइटिंग के होते हैं वो एस लेके जेड तक होते हैं, और यदि इस तरह से सभी लेटर्स को आपको जोड़कर लिखना आ गया इसका मतलब है कि आपको कर्सिव राइटिंग आ गई। मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है और पूरा ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखी है और कर्सिव राइटिंग के जो जितने भी वर्ड्स है इनको अच्छी तरह से आपको लिखना आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं नरेश गहलोत इस तरह से और भी अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। नमस्ते।